ट्रिपल आर ने रिलीज होने से पहले ही कैसे कमाए 70 करोड़ रुपए, राजामौली की फिल्में क्यों रचती हैं इतिहास। हेलो दोस्तों, हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज लाया है आपके लिए 1000 रुपए जीतने का मौका। जी हाँ, हर रात 9 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें पूछे जाएंगे बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ सवाल। उन सभी सवालों के सही जवाब देने वाले पहले शख्स को मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। तो अगर आप भी ये मौका चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रात 9 बजे वीडियो देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ सानिया सैफी। दोस्तों, सुपरहिट फिल्म बाहुबली के निर्देशक एस.एस. राजामौली एक बार फिर अपनी अपकमिंग मूवी RRR से पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एस.एस. राजामौली की ये फिल्म तेलुगु और तमिल भाषा में बनाई जा रही है, लेकिन ये एक्शन फिल्म हिंदी और मलयालम में भी डब की जाएगी। इस फिल्म में साउथ के एक्टर एन.टी. रामा राव, रामचरण और राहुल रामकृष्णन के साथ बॉलीवुड के कलाकार आलिया भट्ट और अजय देवगन भी नजर आएंगे। एस.एस. राजामौली की फिल्म को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। इस बात का सबूत है कि फिल्म RRR रिलीज होने से पहले ही करोड़ों की कमाई कर चुकी है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की अपकमिंग मूवी RRR ने एक बार फिर दूसरे फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक RRR के निर्माता विदेशी थिएट्रिकल राइट्स के तहत फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हाउस फार्स फिल्म्स के साथ एक विशाल बैंक रोल पर थे। इसके लिए फिल्म को 70 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। वैसे तो RRR का अनुमानित बजट करीब 300 करोड़ रुपए है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही फिल्म की 70 करोड़ रुपए की कमाई से ऐसा लगता है कि ये रिलीज होने के बाद भी पर्दे पर धमाल मचा देगी। सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद फिल्म RRR की मजबूत कहानी और प्रभावशाली सिनेमाटोग्राफी सुपरहिट होने के साथ ही दूसरे फिल्मों पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बता दें कि फिल्म RRR की टीम ने अपना पहला स्केड्यूल पूरा कर लिया है और अब इसकी टीम अपने दूसरे स्केड्यूल पर काम कर रही है। ये फिल्म 1920 के स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है। ये काल्पनिक कहानी है और इस फिल्म में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई को भी बखूबी दिखाया जाएगा। फिल्म RRR 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में रिलीज हो सकती है। राजामौली ने 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग बनाकर ये दिखाया था कि देश में सिनेमा को एक नया आयाम देने वाले डायरेक्टर आ चुका है। आज राजामौली का जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको उनकी फिल्मों के बारे में बताते हैं। उनकी हर फिल्म ने एक इतिहास रचा है। राजामौली अपनी फिल्मों से ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों को भी टक्कर देते हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में अगर आपकी रुचि है तो आपको राजामौली की फिल्मों के बारे में पता ही होगा। रायचूर में जन्मे राजामौली ने साल 2001 में पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 डायरेक्ट की थी। राजामौली पहली फिल्म डायरेक्ट करने के बाद छा गए थे। स्टूडेंट नंबर 1 उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और फिल्म में जूनियर NTR और गजाला लीड रोल में थे। इसके बाद राजामौली ने कई अच्छी और हिट फिल्में डायरेक्ट की। यहाँ साल 2009 में आई फिल्म मगधीरा की बात करना जरूरी है। चिरंजीवी के बेटे रामचरण इस फिल्म में हीरो थे। इस फिल्म में भी बाहुबली जैसा ही भारी भरकम सेट और ढेर सारा पैसा खर्च किया गया था। इस फिल्म के प्रोडक्शन में राजामौली ने अपना सब कुछ लगा दिया था। फिल्म की कहानी KV विजेंद्र ने लिखी थी, जो कि राजामौली के पिता हैं। फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स धरे के धरे रह गए। राजामौली ने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों का ही निर्देशन किया है। बाहुबली ही नहीं, राजामौली ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड इतना तगड़ा है कि अगर उन्हें सुपरस्टार कहें तो गलत नहीं होगा। राजामौली की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है बाहुबली। बाहुबली सीरीज के जरिए राजामौली ने देश की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा दी है। राजामौली अपनी शानदार फिल्मों के लिए कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। 2016 में राजामौली को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 फिल्मफेयर अवार्ड, नंदी अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, SS राजामौली और उनकी अपकमिंग फिल्म के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।